press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. लग गया।
आप लीजिए ना, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, और थोड़ा सा रायता। Mr. Saxena, it's demarcation, not discrimination. Yes, that's right. Aur aap proof achhi tarah dekh lijiyega, it's very important. सुबह मैं उसे खुद भिजवा दूंगी। मगर बच्चे की आया आ गई है और ये आया बच्चे के बिना सो ही नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे ले ही आऊं तो ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।
भगवान ने दिन बनाया काम के लिए और रात आराम के लिए। आप हैं कि ना दिन देखना ना रात, बस काम काम काम। अब आदमी जिंदगी में काम क्यों करता है, ताकि आराम मिले। जब ससुराल आराम ही नहीं तो काम किस काम का। अरे हरे, काम होता ही कहाँ है सारी जिंदगी में, और सब कुछ होता है बस काम ही नहीं होता। कुछ भी कहो साहब, नियम का नियम है कि नियम से चले। और फिर आप दिन भर इतना काम करते हैं, 7-8 घंटे सोएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। अरे तुम्हारे हिसाब से आदमी को 24 घंटे में 7-8 घंटे सोना चाहिए। बिल्कुल, यानी दिन का 1/3 वक्त सोना जरूरी है। जी अच्छा अच्छा, आओ जरा हिसाब लगाते हैं। मान लो एक आदमी को लो जो 60 साल तक जीने वाला है, जिसकी उम्र 60 साल की है। अब तुम्हारे हिसाब से वो आदमी उन 60 साल में 20 साल, हाँ 20 साल सोता ही रहेगा, 2.5-3 साल अपना नहाता ही रहेगा, 3-4 साल नाश्ता खाना पीना उसमें गुजार देगा, 2 साल कपड़े पहनने में बिता देगा, और फिर अगर उसके पास गाड़ी वाड़ी ना हुई तो मेरे ख्याल से कम अज कम 5 साल, हाँ 5 साल वो बसों के इंतजार में ही लगा देगा। इस तरह रोजमर्रा की चीजों का हिसाब जोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उस आदमी के पास उन 60 साल में अपने लिए, अपने खुद के लिए 5 से 6 साल ही बचते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अपने लिए करना था तो फिर शादी क्यों की, घर क्यों बसाया। मैं तो कल शाम को इस कमरे में ताला लगा दूंगा, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। आप यहाँ रात रात भर काम करें और उधर मेरे साथ। अरे इसीलिए तो यहाँ काम कर रहा हूँ। जरा सोचो, उस कमरे में रात रात भर बत्ती जलती रही तो तुम्हारी मेम साहब को तकलीफ नहीं होगी। तो फिर रात रात भर काम करने की जरूरत ही क्या है। अच्छा हर काम अपने अपने वक्त पर। जाओ जाकर सो जाओ, जा काफी रात हो गई। दरवाजा बंद कर देना। Thank you.
अतुल लो ट्राली पे रखो। तुम्हें कितनी दफा कहा कि यह सब मत किया करो, लाओ इधर जाओ। विविध उपयोगी रेमसन पेंट, घर रंगो या कार रेमसन पेंट। मंजन लगाए ये दांतों को मजबूत बनाए, चमकाए और सांसों को महकाए। निर्माता आयुर्वेद सेवाश्रम उदयपुर। गाय साफ काला दंत मंजन लगाए। अरे हाँ, आज मैं लंच पे नहीं आऊंगा। है बाय मीरा साहब। तो लंच पे नहीं आ रहे हैं, आपके लिए क्या बनाऊं? तुम लोग अपने लिए खाना बना लो, मैं नहीं खाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और कुछ? सुनो, हाँ? 4 बजे से तुम लोग सब यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। जी मैम साहब। अरे मैं तो बोल ही गया, मुझे चिट्ठी आया है। मम्मी, सबको कैसे बोलोगे? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे उनके प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। अगर वो फ्री हुए तो जरूर आएंगे। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग अस। बाय बाय। नहीं बना सका। अतुल आ, हो जाए के खान।
मैंने कह लूंगा, छोड़ो उसको, अजीब आदमी है। तुम कुछ कह रहे थे क्या? कहना वहना क्या है, इस घर में अब और मन नहीं लगता। मन किसका लगता है, मैं भी तो उस होटल की नौकरी छोड़कर इस घर में आया था कि घर में घर की तरह काम करूंगा, लेकिन यहाँ भी वही होटल वाला हिसाब, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। अब देखो ना, मुझे यहाँ आए 4 साल हो गए, लेकिन साहब आज तक मेरा नाम भी नहीं जान सके, और न मैं ही साहब को जान सका, न मेम साहब को जान सका, तो घर की इस घंटी को जान सका। यूं घंटी बजे तो समझ लो साहब को चाय चाहिए, यूं बजे तो समझ लो मेम साहब को चाय चाहिए, ऐसे घंटी बजे तो समझ लो साहब को नाश्ता चाहिए, वैसे बजे तो समझ लो ड्राइवर को बुलाना चाहिए। छोड़ो यार पत्ता बांटो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्यों है? क्या हुआ? अरे दादा घर में लड़का हुआ है। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ पढ़ दीजिए ना। अच्छा, मुबारक हो मुबारक। क्या पहले जाके जल्दी से मिठाई ले आ, भोग लगाएंगे फिर तेरे लिए भी पढ़ जा। ओके बाय, थैंक यू। Give me residence. PM. हेलो मीता, याद है तुम्हें पेरिस में हम एक पेंटर को मिले थे, मोशे आंद्रे, जिन्होंने हमको घर पे बुलाया था? अरे वही जिसके बारे में तुमने कहा था कि लैंडस्केप्स तो बहुत अच्छी बनाता है लेकिन दिखने में तो बिजनेसमैन दिखता है, आर्टिस्ट तो दिखता ही नहीं है, याद है ना? तो कल वो पेरिस से यहाँ आया है और मैंने उसे परसों खाने पे बुलाया, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। यस, आपने जिन लोगों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, दे आप काम। ठीक है मैं आता हूँ। सुनो, कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए मैंने बुलाया था, वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके। मैंने तुम लोगों का हिसाब कर दिया है, ये रही 2-2 महीने की तनख्वाह, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मेम साहब, तुम्हें और रुपया चाहिए? ये आप क्या कर रही हैं मेम साहब, इस जमाने में इतने ईमानदार नौकर आपको फिर नहीं मिलेंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। लेकिन मेम साहब। हरी, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। हाँ मेम साहब, आज तो मैं बोलूंगा। हरी साहब इतने से थे जब मैं यहाँ आया था और आज आप कहती हैं कि 2 महीने की तनख्वाह लो और जाओ। मेम साहब आपने कभी सपना देखा है? सपने को अपनी बाहों में जवान होते देखा है? आप तो मालकिन है, जिसे चाहे निकाल दें, लेकिन मैं कैसे जाऊं? अब आपको कैसे समझाऊं? आप तो कभी किसी के लिए घोड़ा नहीं बनी, मैं साहब के बचपन का बुड्ढा घोड़ा हूं मेम साहब। हरी, नहीं 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 मेम साहब, आप मुझे नहीं निकाल सकती, आप तो क्या साहब भी नहीं निकाल सकते। मैं तो इस घर से तभी जाऊंगा जब इस दुनिया से जाऊंगा, ये मेरा घर है। घर? क्या ये घर है? हरी, शायद तुमने कभी कोई होटल नहीं देखे, अगर देखते तो तुम्हें मालूम हो जाता ये घर एक बहुत बढ़िया होटल है, यहाँ हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी एक कमी है, लगाव नहीं। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ हरी, मैं इस होटल नुमा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे एक घर चाहिए, संसार चाहिए। अगर यही बात है तो मैं भी चला जाता हूँ। नहीं नहीं हरी, तुम सिर्फ एक नौकर होते तो शायद दूसरों के साथ चले जाते, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। छी छी, ये क्या कह रही हैं आप तो मालकिन हैं। हरी दादा, हम लोग जा रहे हैं, आकर देख लो। वो लोग जा रहे हैं, मैं उन्हें देख लूं। बहू, मम्मी मम्मी, मॉडर्न ब्रेड, ज्यादा प्रोटीन,
मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड ज्यादा विटामिन मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड आप क्या कर रही हो हरी आया बहू बहू तुम इसकी बहू कब से बन गई मैंने तुम्हें वो सामान की लिस्ट दी थी ना कहाँ है चलो जल्दी से दुकान में दे आओ और कह देना कि साथ साथ पिछले महीने का बिल भी दे दे अच्छा अब पूछो क्या पूछना चाहते थे कहाँ गए सब लोग क्यों इनकी कमी महसूस हो रही है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं रहा सवाल और जवाब मैं नहीं जानती लेकिन फिर भी एक सवाल करती हूँ पूछो जब वो सब होते हैं और मैं नहीं होती क्या तुम मेरी कमी महसूस करते हो शायद नहीं क्योंकि मैं इस घर की शोभा ही बनकर रह गई हूं जरूरत नहीं अमर मैंने तुमसे पूछे बगैर हरी के सिवा सब नौकरों का हिसाब कर दिया है क्या लेकिन नौकरों के बगैर इतना बड़ा संसार कैसे चलेगा कितना बड़ा संसार है एक तुम और एक मैं ये एक और एक तो एक ही होना चाहिए था लेकिन दो सही तुमने तो एक और एक को इस ढंग से रखा है कि 11 दिखाई देने लगे खैर इतने अच्छे और एफिशिएंट नौकर कहीं नहीं मिलेंगे इसीलिए तो मैंने उन्हें निकाल दिया है अच्छा बाबा जैसा चाहो वैसा करो तुम्हारा संसार है मेरा संसार यही बात समझने के लिए मुझे 6 साल लग गए लेकिन अमर इसे तुम संसार कहते हो क्यों ये संसार नहीं है जिस संसार में मैं पली पड़ी हुई अगर वो संसार संसार था तो अमर ये संसार संसार नहीं लेकिन इस घर में तुम्हें किस चीज का अभाव है सिर्फ एक अभाव है लगाव नहीं उस संसार में कितने अभाव थे लेकिन लगाव था जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी तुम तो सोच सकते हो अमर मुझ पर क्या बीती होगी लेकिन जब मैंने पिताजी का हाल देखा तो माँ को खोने का दुख भूल गई और उस छोटी उम्र में मुझे माँ की जगह लेनी पड़ी मैंने माँ से बढ़कर पिताजी की सेवा करने की कोशिश की बट हाउ मिजरेबली आई फेल्ड अमर मैं माँ जैसे दाल ना झोंक सकी माँ जैसे बिस्तर ना लगा सकी माँ जैसे पान ना बना सकी माँ जैसे कुछ ना कर सकी जो काम माँ इतनी आसानी से पिताजी के लिए करती थी वो मैंने कितने जतन से किया लेकिन फिर भी पिताजी कहते थे तेरी माँ जैसा काम करती थी वैसे कोई काम नहीं होता अच्छा अमर कल अगर मैं इस संसार में ना रहूं तो क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस होगा जैसा पिताजी को मेरी माँ के लिए होता था अमर उम्मीद ये क्या बात है जब मैंने घंटी बजाई तो दरवाजा साहब ने खोला साहब भी मेम साहब से यही पूछते होंगे क्योंकि जब साहब ने घंटी बजाई थी तो दरवाजा मेम साहब ने खोला था आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या नहीं नहीं बिल्कुल पूरब से निकला मैंने अपनी आंखों से देखा लेकिन जब साहब ने दरवाजा खोला वो भी तो मैंने अपनी आंखों से देखा फिर भी समझ में नहीं आया नहीं तो
बुद्धू को। अरे जब तू घर जाता है हाँ। तो दरवाजा कौन खोलता है? मेरी घर वाली। और अगर मैं तेरे घर जाऊं हाँ। और तू घर पर हो हाँ। तो दरवाजा कौन खोलेगा? मैं। बिल्कुल इसी तरह जब साहब ने घंटी बजाई तो दरवाजा खोला मेन साहब ने, और जब तूने घंटी बजाई तो साहब ने। अच्छा, लेकिन ये घर के नौकर लोग कहाँ हैं? छुट्टी हो गई सबकी। छुट्टी हो गई? लाला जल्दी से बीड़ी पिला, नहीं तो तेरी भी छुट्टी हो जाएगी। बीड़ी तो नहीं, लेकिन ये सिगरेट का पैकेट रखा। एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी बिस्लेरी मिनरल सोडा फिल्टर सिक्स टाइम्स फॉर प्योर बिस्लेरी मिनरल सोडा। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो, दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो। पसंद तो मुझे भी नहीं। तो फिर उठो, उठो। उठना तो पड़ेगा क्योंकि साहब प्रोग्राम कुछ और ही है। प्रोग्राम? बैठना तो तुम्हारे सर पर है। अगर एकदम से सवार हो गई तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, इसलिए सोचा बिगिनिंग जरा मॉडेस्ट हो, स्टेप बाय स्टेप क्यों ना चला जाए। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? लिम्का प्यासा युग आ गया, लिम्का छा गया, नींबू जलसा मजेदार पे, लिम्का लिम्का। अरे तुम यहां बैठे हो, मैं तो तुम्हें। साहब की चाय में दूध कितना डालूं? बस चीनी जरा ज्यादा डालना। वो तो मुझे मालूम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। द टी इज रेडी। क्या ये दाग मिटाने से मिट जाएगा? हरी हरी आया बहू। अ,
अब जरा एक गिलास पानी तो ले आना, एक गिलास पानी ले आना। बहू तुम जरा किचन संभालो। तुम कहाँ चले? साहब के ऑफिस जाने का टाइम हो गया ना। सुनो दोबारा चाय का पानी लगा दो जल्दी से। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो बुद्धू बाजे। क्या मतलब? मतलब नहीं एडिटर साहब, मत बल। अरे लो पियो। तो मंगाया क्यों? कपड़े बदलने के लिए। कपड़े बदलने के लिए? हाँ। अरे वाह वाह वाह, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। लो। हरि अरे तुम्हारे गाल गरम है। एडिटर साहब ये मेरे गाल हैं, नाश्ता नहीं। हाँ वो ठीक है लेकिन फिर भी जरा गरम है। गरम वो क्या बचपना है, चलो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही ने तो बुलाया था। मेरे बुलाने से पहले है या बाद में? बीच में। देखो ड्राइवर आ गया होगा, उसे चाबी दे दो। अच्छा। और सुनो हरी, उस स्टोर से चीजें नहीं आई अभी तक, लेते आना। अच्छा मैं अभी पता करता हूँ। Lunch at 1:15 sharp. अरे हरी। जी बहु। अदरक मिर्ची नहीं लाए? नीचे है। Thank you.
यही कहना है ना कि तुम लंच पर नहीं आ रहे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हेलो, इज इट 362595? दैट्स राइट। कुड आई स्पीक टू मिसेस सेन प्लीज? स्पीकिंग। मीता, मैं शशि बोल रहा हूँ। मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, टेलीफोन डायरेक्टरी से? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों, घबरा रही हो? तुमने मुझे चौंका दिया। लेकिन मीता, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर इतना ही जरूरी है तो शाम को आओ, जब वो घर में होंगे। मीता, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे अकेले में नहीं मिलना चाहती। मैं 4 बजे आ रहा हूँ। हेलो, हेलो, सॉरी मीता, आने में देर लग जाएगी। कब तक आ जाओगे? 2:15 बजे तक। ठीक है। सुनो, भूख लगे तो खा लेना तुम। नहीं, साथ में खा लेंगे। नाराज तो नहीं हो? नहीं। गुस्सा भी नहीं? नहीं। काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। ठीक है। हाय टुडे। खाना लगा दूं बहू? साहब 2:30 बजे आ रहे हैं। You know, मीता, आज रात के डिनर के लिए I've got a splendid idea. अच्छा? हाँ, देखो, हम जब विदेश जाते हैं ना, रोम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह वगैरह, तो वहाँ के लोग हमारा स्वागत उन्हीं के तौर तरीकों से, उन्हीं के रस्म रिवाज से करते हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग जब यहाँ आते हैं तो हम भी उनका स्वागत उन्हीं के तौर तरीकों से, उन्हीं के रस्म रिवाज से करते हैं। बात तो ठीक है। क्या ठीक है? ठीक नहीं। नहीं, यही तो कह रहा हूँ। ओह, तब तो कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। देखो, मैंने सोचा है आज रात का डिनर शुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर खाया जाए। हाउ इज द आइडिया? गुड, लेकिन सर राशि गड़बड़ है। क्या? समझो, अगर साहब टाइट पैंट पहनकर आए तो और मजा आएगा। जब खाने के लिए उनको डन बैठक करनी पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति कितनी सरल है। बहुत अच्छे। एक काम करोगे? हाँ, कहो। जल्दी से हाथ मुंह धो लो। हाँ, आलू पराठे ठंडे हो जाएंगे। अभी हाथ धो के आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। तुम शुरू करो, मैं देखती हूँ। ये आलू के परोठे का आइडिया किसका था? बहू का। बनाया भी उसी ने? जी। रॉन्ग नंबर। किचन देखता।
किसका फोन था? पता नहीं, some stupid man, एम्बेसडर होटल चाहिए था। वाह, तुम देखो मैं लाता हूँ। Sanya, sorry, wrong number. इन पागलों को क्या मालूम मैं अपनी बीवी के हाथों के बनाए हुए आलू के परोठे खा रहा हूं। खाओ ना, तुम भी खाओ। तुम खाओ। मैं तो खा ही रहा हूं। हाँ, आज बहुत सालों बाद आलू के परोठे खाने को मिले। ये तुम्हारी है ना, उसकी बीवी भी है। मुझे सब मालूम है, खाते वक्त बात नहीं किया करते। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी बात सुनकर पिताजी याद आ गए। खाते वक्त कोई बात करता ना तो उनको भी बहुत गुस्सा आता। क्या कर रही हो? बाबा जी, ठीक है, परोठे तुमने बनाए हैं अच्छे हैं, लेकिन पेट तो मेरा है। अगर मैं दो पराठे खाऊं तो तुम्हें कम से कम छह खाने चाहिए। आजकल सिर्फ दो या तीन बस होते हैं। मैं पराठों की बात कर रही थी। मैं भी इसी की बात कर रहा था। These days, grow more food, but eat as less as you can. मीता, यू आर स्पॉइलिंग मी। अगर ये तुम्हारी मेहरबानी कुछ दिन और रही तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। क्या मतलब? मतलब इतना अच्छा खाना खा के कोई काम कर सकता है? जी चाहता है यहीं सो जाऊं। ये क्या? तुम्हें सोना है ना, आराम से सो जाओ। तुम किसी दिन मेरी नौकरी छुड़ाओगी श्रीमती जी? आप ही ने तो कहा था श्रीमान जी। अच्छा साहब, माफ कर दो बस। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम के लिए किसी रसोई का बंदोबस्त करूं? किस लिए? एक ही आदमी को तो बुलाया है, हरी और मैं निपट लेंगे। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज खाने पर मैंने चार और आदमियों को बुलाया। तो क्या हुआ? अच्छा काम करते हैं, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता। हा? और कहलवा देता हूं कि आज की मेरी छुट्टी मीता के किचन में लग गई। अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, बहाने क्यों बना रहे हो? किचन में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि रुकावट डालोगे। लेकिन मीता। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब आप मेहरबानी करके जल्दी से ऑफिस तशरीफ ले जाइए ताकि आई मुसीबत को मैं खुद निपटा सकूं। अच्छा साहब, जैसा आपका हो। चलते हैं, देखो मैं मेहमानों के साथ ठीक 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। बाय बाय। हरी हरी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? खा लूंगा बहू, अभी क्या। ओ, जल्दी करो, तुम्हें कुलाबा जाना है शांता जी के यहाँ। लेकिन बहू, कुलाबा जाने आने में तो 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर वो रात को मेहमानों के लिए वो क्या कहते हैं, वो भारतीय संस्कृति खाना कैसे बनेगा? वो सब ठीक हो जाएगा, बन जाएगा, तुम जल्दी से खाना खा लो। अच्छा। मैं चिट्ठी लिख देती हूँ। और सुनो। हाँ। जल्दी करो। और पानी भी नहीं। कोई
Yes. अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? किस लिए आए हो? मीता, हमारे यहाँ तो घर आए हुए दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। तुम आए क्यों हो? कल जो बीत चुका है उसे आज याद करके परेशान होना ठीक नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ, जो कल बीत गया उसे भूल भी चुकी हूँ। मीता, इस तरफ इस नहीं आते, मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ। आओ हम एक बार फिर अजनबी की तरह मिले, परिचित हो तो सुलझे हुए इंसानों की तरह। चलो अंदर चले। ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। एक्सेलेंट। एक ग्लास पानी तो दो। सुखी देखकर बड़ा संतोष हो रहा है। तुमने मुझे कब सुखी देखा? क्यों, जब से तुम्हें परेशान देख रहा हूं? यानी? सीधी सी बात है मीता, तुम्हारा वर्तमान जीवन अगर सुखी नहीं होता तो मुझे देखकर तुम यूं परेशान नहीं हो जाती। फजूल बातें करके वक्त जाया मत करो, जो कहने आए हो वो कहो। रियली, हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं लेकिन एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बजाय कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। सुनो, तुम बैठोगे नहीं? प्लीज शशि, मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं। अगर ये बात है तो मैं चलता हूं। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम आए क्यों। मीता, कहते हुए एक अजीब सा संकोच हो रहा है। यहां आते वक्त संकोच नहीं हुआ तो अब किस बात का संकोच? ये भी तुम ठीक ही कह रही हो। अब देखो ना, बंबई में आए हुए दो दिन हो गए मुझे। एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था, कल वो इंटरव्यू भी हो गया। तुम्हारे पति मिस्टर सेन, उनसे कोई सिफारिश चाहते हो? नहीं, सिफारिश तो तुमसे चाहता हूं। तुम्हारे कहने से ये जगह मुझे मिल सकती है मीता। सब कुछ मिस्टर सेन के हाथों में। मैं उनके दफ्तर के मामलों में दखल नहीं देती। यानी? सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ नहीं कहूंगी। इसी बात का डर था मुझे, इज्जत भी गई और काम भी नहीं बना। हम जैसे लोगों की जिंदगी में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा अब चलो, तुम्हें बेवजह तकलीफ दी। Magnifique, it is marvelous. That is beautiful. You have a very nice place. Thank you. Well, what was your first impression when you landed in our country? To tell you honestly, Mr. Sen, it's very difficult to say. You know, I'm an artist. I would much rather paint my impressions. Well, something must have struck you, which you could not only just paint but talk about also. Well, you know, I arrived very early in the morning. The change between darkness and light. The color of the sky. It was, just to say, beautiful. Try this. Merci bien.
कैसे हो हरे? हाँ, what a pleasant surprise. कहाँ थे तुम इतने दिन? यार कलकत्ता चला गया था. How is life? कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ, as usual, मोटा हो रहा हूँ. आओ तुम्हें कुछ खास दोस्तों से मिलाता हूँ. This is Dr. Kolin, Mr. Mukherjee. Hello. Mr. Mukherjee. Namaskar. And this is Moshe Andre. Pleased to meet you. Monsieur, comment allez-vous? Fine, thank you. Is Mr. Subir Sen, one of our finest singers here. I see, Indian singer. Yes. I see. You see, one of my favorites is songs from Tagore. Do you know any of them? Yes, I know some of them. Really? Please ask him to sing for us. हाँ भाई, शुरू हो जा. यार विदाउट हारमोनियम बाजा वगैरह तो कुछ लाओ. एक मिनट. अरे आया जी. देखो वो अपने पड़ोस में जरी वाला साहब है ना, वहां से वो पेटी वेटी ले आओ. अच्छा नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं? नमस्ते, कैसे हैं आप? कब आए? बस मैं परसों आया हूँ. ड्रिंक लाऊं आपके लिए? ओह प्लीज. Well, you see, this Mr. Mukherjee is a wonderful mother-in-law, you know. We cannot call it a musical spot. We cannot call it a dramatic spot. Well, it's a spot made just like that. Mummy, modern red. Shedin du jone, dule chinu bune. ফুলো ডোরে বাঁধা ঝুলো না সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে ভুলো না ভুলো না ভুলো না সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলো ডোরে বাঁধা ঝুলো না সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো আমার মনের প্রলাপ জড়ানো সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো আমার মনের প্রলাপ জড়ানো আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা ভুলো না ভুলো না ভুলো না সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলো ডোরে বাঁধা ঝুলো না যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কি জানি. আরে ইয়ে কিয়া তুমনে খানা টেবিল পে কিউ লাগা? हम तो वो भारतीय संस्कृति के अनुसार वो हाँ, जमीन हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन जैसे साहब टाइट पैंट पहन कर आया है और जिस तरह पी रहा है लुढ़क जाएगा. तुम इसे ऐसे ही रहने दो ना. जाओ बुला लो. जाओ. It's delicious. Good night. Yes.
सिनेमन मैं अंदर आ सकता हूं सर यस प्लीज डू हैव अ सीट थैंक यू सर मिस्टर शर्मा यू आर अ वेरी लकी मैन जी लेट मी टेल यू मिस्टर शर्मा इस जॉब के लिए मेरे पास 52 एप्लीकेशंस आई थी उनमें से सिर्फ आप ही की एक एप्लीकेशन थी जिसके साथ कोई सिफारिश नहीं थी इसीलिए नहीं इसीलिए नहीं मैंने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी कटिंग्स देखी और आपका इंटरव्यू लेने के बाद ये महसूस किया आपको किसी किस्म की सिफारिश की जरूरत नहीं इसलिए बड़ी खुशी के साथ ये नौकरी मैंने आपको दी लेकिन आखिर तुमने भी सिफारिश भेजी थी जी दरअसल बात यह है सर कि कोई बात नहीं तुम बड़े भाग्यवान हो तुम्हारी सिफारिश भी हो गई और बिना सिफारिश के तुम्हें नौकरी भी मिल गई सर इस शहर में आने पर मुझे लगा कि योग्यता के साथ साथ सिफारिश की भी जरूरत है लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग अगर ये नौकरी मुझे सिर्फ सिफारिश की वजह से देनी पड़ती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती आपकी इस खुशी को कायम रख पाना मेरी खुशनसीबी होगी सर अच्छा तुम डायलॉग भी बोल लेते हो सर खैर छोड़ो आप चलो मैं तुम्हें अपना प्रेस दिखाता हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्रेसेस इन द कंट्री Isn't he great, sir? मैंने उसके तकरीबन सारे प्लेस पढ़े मैंने यूरोप में उसके दो प्लेस देखे थे कौन कौन से सर एक तो मालक करेज और दूसरे वाला कॉकेशन चौक सर हाँ यस स्पीकिंग आज फिर प्लेट 10 मिनट सॉरी एक्चुअली ऑफिस से तो मैं जल्दी निकला था रास्ते में शशि को छोड़ता हुआ आ रहा हूँ 5-10 मिनट उसी के वहां रुक गया जैसे ही उसके रूम में दाखिल हुआ मुझे अपनी बैचलर लाइफ याद आ गई सॉरी एक मिनट अरे हाँ मीता
तुमने परसों के अखबार में वो शशि का मिडलर पढ़ा था ना? आज दिन भर ऑफिस में उसकी तारीफों के फोन आते रहे। आई टोल्ड यू ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। अच्छा यू नो, कल के लिए मैंने उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दिया है और मुझे यकीन है ही इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट जॉब आउट ऑफ इट। क्यों ना हो, आखिर डिस्कवरी किसकी। अरे तुम उठ भी गए, लो चाय लो। ये पढ़ो तुमिता, कितना अच्छा एडिटोरियल लिखा है शशि ने, पढ़ो। सो चैलेंजिंग। चाय लो, ठंडी हो जाएगी। इतना अच्छा तो मैंने खुद कभी नहीं लिखा। कितनी गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है, आफ्टर ऑल शशि इज माय डिस्कवरी, आई एम प्राउड ऑफ। चाय भी लो, ठंडी हो जाएगी। अरे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना था, भूल ही गया। शशि सर एक मिनट सर, वो थर्ड पेज के लिए आओ, फिर से प्लान करना होगा। यू विल हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। आई गॉट वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स टुडे, है ना? राइट सर। ओह रियली इज सैड। अच्छा लेकिन आप ऐसे हाँ, फिर भी मिसेस माथुर सब्र की एक हद तो होती है। देर हो रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, यू मोस्ट वेलकम। यस यस सर, बाय बाय। कितनी देर लगा दी? कौन भाई? मिसेस माथुर। कौन मिसेस माथुर? तुम्हारी न्यूज एडिटर की बीवी। अच्छा अच्छा, वही पुराना झगड़ा। मेरी समझ में नहीं आता तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते, जिंदगी तबाह कर दी है उसने। ये उन दोनों का आपसी मामला है, हमें क्या लेना देना, और फिर मैं होता भी कौन हूँ उसे निकालने वाला। ऐसे आदमी को कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। मीता ये जरूरी नहीं कि सारी गलतियाँ मिस्टर माथुर की हो, और अगर हो भी तो आस पास बात करने से ये मामला सुलझने वाला तो नहीं है। मुझे कुछ समझ करके कहते होगी ना। अच्छा ठीक है, चलो वहाँ शशि इंतजार कर रहा होगा। पिछली दफा भी हमें मेरी समझ में नहीं आता उसे इंतजार करने की क्या जरूरत है, खुद अंदर जाके क्यों नहीं बैठता। अरे बाबा हम दोनों की टिकट उसके पास है। लेकिन हमारी टिकट उसके पास रखने की क्या जरूरत है। लड़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, पिक्चर देखना चाहती हूँ। फाइन फाइन गुड। अरे हमें पूछना ही भूल गया, कल वाली पिक्चर कैसी लगी? गुड, वेरी गुड सर। आई एम सॉरी, हमको तो आधे से ही उठ के जाना पड़ा, मीता की तबीयत ठीक नहीं थी। आई सी। अच्छा तो मैं चलता हूँ सर। सुनो आज शाम को हम साथ ही चलेंगे, हाँ? तुम 6 बजे तक अपना काम खत्म कर देना। राइट सर। देखो शशि, ये मैसूर और महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ भी कहने या कुछ भी लिखने से पहले हमें पूरी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उतना ही नाजुक उतना ही डेलिकेट है जितना एक मियां और बीवी का प्रॉब्लम होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर क्या हम लोगों को नहीं चाहिए? छोड़ो शशि, अब ये प्रॉब्लम्स और एडिटोरियल, ऑफिस की बातें ऑफिस में ही, बाहर निकले हैं 5:30 बज गए, अब ऑफिस की बातें धंधे की बातें बंद। ऑल राइट सर। ना कहो इसको फिर कहीं कोई खून खेला मन, ना कहो इसको फिर कहीं कोई खून खेला मन। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने गाना क्यों रोक दिया? सर डू यू लाइक दिस सॉन्ग सर? इज़न्ट इट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग? दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग सर। अच्छा, काफी चीजों में हम दोनों की पसंद मिलती जुलती है। मुझे भी कई बार ऐसे ही लगा है। अगर आप कहें ये रिकॉर्ड आपको प्रेजेंट करूं सर? मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड मन्ना डे ने गाया है ना? जी हाँ, ये रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए, है ये रिकॉर्ड मेरे पास है। यू नो शशि, मेरे पास कम से कम 1000 रिकॉर्ड्स होंगे।
जब कोई खास गाना सुनने का मूड होता है तो सबसे पहले तो उन हजार रिकॉर्ड्स में से उस रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ता है। मुश्किल से जब वो रिकॉर्ड मिलता है तो उसे बाहर निकाल कर उसे रिकॉर्ड प्लेयर पर लगाना पड़ता है, फिर स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर एक खट सी बेसुरी आवाज होती है, फिर कहीं जाके गाना सुनने को मिलता है, तब तक गाना सुनने का मूड खत्म हो जाता है। इसलिए जब ऐसे कोई गुनगुनाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नेचुरली सर। क्या नेचुरली? क्यों नेचुरली सर, जब मिसेस सेन खुद इतना अच्छा गाती हैं तो। मिसेस सेन, यू मीन माय वाइफ? अब मेरी बीवी? जी मिसेस सेन, माय वाइफ गाती है, अच्छा गाती है। मिसेस सेन, मीता माय वाइफ गाती है, अच्छा गाता है। मेरी बीवी गाती है, मीता गाती है। शादी को 6 साल हुए हैं, हम 6 साल से पति पत्नी हैं। मैं पूछता हूं ये सब बातें मुझसे कब तक छुपाई जाती रहेंगी? आज तक तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या आज तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम बहुत अच्छा गाती? ये बात मुझे तुमसे नहीं, शशि ये लो चला रही है पगला कहीं का। All right. Now you tell me, what is all this nonsense? Kya? What do you mean by kya? Lekin. Lekin kya? Hamari shaadi ko kitne saal ho gaye? 6 saal. Hamari shaadi ko 6 saal ho gaye. 6 saal se hum pati patni hain. Lekin bahar ke aadmi ke saamne patni se kaise pesh aana? Acha. Shashi bahar ka aadmi. Shashi bahar ka aadmi. Main khana khata hu, gaana sunao. जो हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चाय। पहले गाना सुनाओ फिर चाय। मुंह धोकर आओ। अच्छा मुंह धोकर आओ। लो बस चाय हो गई, अब गाना हो जाए। गाना भी होगा। तो तुम शुरू हो जाओ ना, देर किस बात की है? जनाब चाय पियेंगे और मैं गाना सुना तो मेरी चाय का क्या होगा? अरे हाँ तुम भी तो चाय पी रही हो। अच्छा जल्दी पियो, चलो। क्या हुआ? हम दोनों चाय पियेंगे और कोई तीसरा गाना जाएगा। ये गाना अपने पास भी है? ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल। सचिन अकाउंट मुझे प्रेजेंट करने वाला था। यही सुन के तो पता चला कि आप भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। शशि गुनगुना रहा था, उसके साथ एक ही गड़बड़ थी, उसकी आवाज बहुत ही बेसुरी है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे ट्यून गया साहब, देखता हूँ। अच्छा मैं एक बात बता, शशि ने तुम्हें जब कहा कि मैं अच्छा गा लेती हूँ तो तुम्हें कैसे लगा? अरे कुछ मत पूछो कैसा लगा, उसकी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन फौरन ख्याल आया ये तो अपना शशि है, इसलिए फिर सोचना ही बंद कर दिया। और कुछ नहीं सोचा? और क्या सोचते? अच्छा, तुम जो सोचने के लिए कह रही हो ना वो शशि के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि शशि इज आफ्टर ऑल आर शशि। शशि का मतलब चांद होता है, चांद में कलंक भी होता है। मीता, शशि शशि का आधा नाम है, जो सिर्फ शशि को जानते हैं उनको उसमें कलंक नजर आते हैं, लेकिन मैं शशि भूषण को जानता हूं
और उसका मतलब जानती हो क्या? शिव। जानती हूँ। क्या? यही कि शशि भूषण अब अमर भूषण हो गया है। ए सिद्धत पर ये अमर भूषण कौन है? हाँ कौन है? Nothing much. लेकिन मिस्टर सैन आप भीगे कैसे? बारिश तो रात को हुई थी, कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं डॉक्टर, दरअसल वो अरे अरे डॉक्टर साहब के लिए चाहिए। हाँ,
तुम क्या कमरे में बैठे बैठे ही भीग गए? Well, डॉक्टर ऐसा ही समझ लीजिए, दरअसल बात यह है कि कल बारिश में हम दोनों, तुम्हें बता दो ना, हटो इसमें, हटो क्या? Well, डॉक्टर बात यह है कि कल रात बारिश में यहाँ पर एक फिल्मी सीन हो रहा है। समझ गए मेरी बात? अच्छा डॉक्टर साहब जी, भीगने की वजह जाने बिना भी तो इलाज हो सकता है ना? लेकिन मिसेस सैन, वजह जानने के बाद इलाज करने में आसानी हो जाती है ना, क्यों मिस्टर सैन? चलो अच्छा ही हुआ, आज तक जब भी यहाँ आया लंच या डिनर के बहाने, और ए चेंज अच्छा ही है। जल्दी जल्दी अच्छा कर दीजिए डॉक्टर, डिनर के लिए फिर बुला लेंगे। फ्लू लगता है, दवा लेते रहिए, 7-8 दिन में ठीक हो जाएंगे। 7-8 दिन बहुत ज्यादा है डॉक्टर। तो भी ठीक है, दवा मत लीजिए, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। देखो मेरा कौन है? हरी है वो। अरे और कोई नहीं, डॉक्टर साहब हैं। साहब शशि बाबू आए हैं। आओ शशि आओ। डॉक्टर कोहली, दिस इज मिस्टर शशि भूषण शर्मा। हेलो। मेरे साथ काम करते हैं और आपके फ्यूचर पेशेंट। बट व्हाई फ्यूचर पेशेंट? आप तो मुझे इस वक्त भी, लेकिन हूँ नहीं डॉक्टर। बट मिस्टर शर्मा, आपकी आंखों को देखकर लगता है कि आप रात बहुत देर तक पढ़ते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थैंक्स फॉर द सजेशन डॉक्टर, लेकिन हम लोगों का काम ही ऐसा है, बताइए रात रात भर न जागे तो काम किस तरह पूरा होगा? तुम कहाँ चली? चाय लेकर आती हूँ। सुनो, अगर पूछे तो कह देना मैं बाथरूम में हूं। बहू साहब, ये क्या उठ गए बिस्तर से? यूं ही देखने आया था, क्या पका रही हो खाने को? कुछ भी पके, तुम्हें तो सिर्फ कांजी मिलने वाली है। जाओ सो जाओ, जाओ जाओ ना, अभी आई। क्या ढूंढ रहे? सर, यहां से इस वक्त शहर को देखें तो ऐसा नहीं लगता, आसमान में कम सितारे हैं जमीन पर ज्यादा। हाँ शशि, ऊंचाई से ये शहर कितना खूबसूरत, कितना जगमगाता हुआ नजर आता है, लेकिन वहां नीचे क्या हो रहा है वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? बस अब ठीक है, क्वाइट हो गया। तुमने आज का पेपर पढ़ा? पढ़ा है सर, आप शायद उस न्यूज के बारे में। मेरी समझ में नहीं आता, इतने इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर क्यों नहीं कर सके? दिस इज नेवर डन। आजकल माथुर साहब को भी पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें याद है पिछले मंडे को भी उन्होंने? इट्स रियली सैड सर, आपको शायद मालूम नहीं है, मिस्टर मिसेस माथुर अलग हो गए। क्या? जल्दी हो सकता है उन दोनों में डाइवोर्स भी हो जाए। अजीब बात है, दोनों समझदार हैं, दोनों अच्छे हैं, दुनिया बराबर उनकी तारीफ करती है, फिर भी ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मिस्टर माथुर अपने दोस्तों और मिलने वालों से इतने मिलनसार है, मिसेज माथुर भी अपने दोस्तों और मिलने वालों से इतनी मिलनसार है, फिर यही दोनों आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? सर मुझे लगता है अपने दोस्तों और मिलने जुलने वालों की दुनिया में पूरे संबंधों को बनाए रखने के पीछे एक
डेफिनेट कोशिश रहती है। जान पहचान दोस्ती में बदलती है, फिर दोस्ती और भी बढ़ती चली जाती है और मजबूत होती है, यानी जिंदगी के हर संबंध में तरक्की होती है, संबंध बढ़ते हैं। बस एक पति पत्नी के संबंध है जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लिया जाता है, उन्हें न तो बढ़ाने के लिए कोई कोशिश होती है न तरक्की के लिए। नतीजा यह होता है कि इस निश्चित संबंध में कहीं ना कहीं जाकर कहना चाहिए एक खालीपन, ऊब, एक चिड़चिड़ाहट घर कर जाते हैं, और ऐसे में दोनों के बीच एक सिवा अलग हो जाने के और कोई चारा ही नहीं रह जाता। शशि, जिस लड़की से भी तुम शादी करोगे ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। She'll be a very lucky girl. कब कर रहे हो शादी? अब मैं चलूंगा सर। हाँ, आज खाना यहीं खाना। अरे मीता, आज शशि यहीं खाएगा? नहीं सर, फिर कभी सही। आज माफ कीजिए, आज कहीं बाहर खाने पर जाना है। बाहर जाना? कौन है वो? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जब कभी होगी आपसे छिपकर थोड़ी होगी। लो, पी लो। Come on, darling, please, पी लो ना। कड़वी है यार। पी लो ना। लो, पानी पी लो। बैठो। बहुत काम पड़ा हुआ। अरे बैठो ना। प्लीज जाने दो। अच्छा फिर वो गाना सुना दो। कौन सा? वो क्या है वो, फिर कहीं कोई फूल खिला। बाय, अभी सुनाती हूँ। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांग दुआ। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांग दुआ। लहरों का लगा जो मेला, तूफाना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं सपने खुद ही सजाए जो हमने। देखे क्यों सब वो सपने,
खुद ही सजाए जो हमने दिल से बहल जाए तो राहत ना कहो उसको फिर कहीं कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको फिर कहीं कोई दीप जला मंजिल ना कहो उसको फिर ये ठीक है इसे जाने दो और हाँ अपना वो आर्टिकल है वो इसी में दे देना ठीक है सर लेकिन वो थर्ड पेज की हाँ वो मिस्टर माथुर को दे देना वो संभाल लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं देख लूंगा कल से मैं भी ऑफिस में आ रहा हूँ एक आध दिन और आराम कर लेते काम तो चलिए मैं अब तो बिल्कुल ठीक हो गया एक्चुअली पिछले दो दिनों से तो बुखार भी नहीं है वैसे ही आराम कर टाइम क्या हुआ है आज बीमारी का आखिरी दिन कल से फिर ऑफिस शुरू शशि ये 6-7 दिन इतनी जल्दी गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला ऐसा लग रहा जैसे तुम्हें पता है मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं लेकिन ये पिछले 6-7 दिनों में मैंने मीता को जितना जाना शायद कभी मैं जान पाता ये ना शशि आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए कितना ही आधुनिक क्यों ना हो जाए जब वो बीमार पड़ जाता है ना तो एक बच्चे की तरह असहाय हो जाता है उस वक्त उसे माँ जैसी किसी की जरूरत पड़ती है और इन्हीं दिनों मैंने देखा मीता माँ हो गई फिर नर्स दोस्त प्रिया औरत पत्नी एक साथ इतना कुछ हो सकती है ये मैंने पहली बार देखा मैं तो कहता हूँ शशि आदमी को शादी करने के बाद फौरन बीमार पड़कर कुछ दिन घर में ही रहना चाहिए मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा हूँ नहीं सर अच्छा एक बात बताइए जैसा आपने कहा आदमी तो औरत को जानने के लिए औरत के बारे में ये सब कुछ जानने के लिए कुछ दिन के लिए बीमार पड़कर घर में रह सकता है लेकिन मान लीजिए औरत ही सब कुछ आदमी के बारे में जानना चाहे वो क्या करे शशि तुम जल्दी से शादी करना और फिर अपनी पत्नी से पूछ लेना सर अब चलता हूँ बस बस सर गुड नाइट सुनो जरूरत से ज्यादा देर क्यों रुकते हो इतने समझदार हो फिर भी इतना नहीं समझते याद है तुमने कहा था मुझे सुखी देखकर तुम्हें संतोष होता है खुद इतना अच्छा गाती है तो माय व्हाट मेरी बी अच्छा तुम जो सोचने के लिए कह रहे हो ना वो शशि के बारे में मैं सोच नहीं सकता क्योंकि शशि शशि
सूर्य का मतलब चांद होता है, चांद में कनक भी होता है। मीता, शशि शशि का आधा नाम। जो सिर्फ शशि को जानते हैं उनको उसमें कनक नजर आते हैं, लेकिन मैं शशि भूषण को जानता हूँ और उसका मतलब जानती हूँ क्या? शिव। जानती हूँ। क्या? यही कि शशि भूषण अब अमर भूषण हो गया। ए चिड़क चिड़क, ये अमर भूषण कौन? हाँ कौन है? मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, ऑफिस नहीं जा रहा हूं मैं। जरा शशि को फोन करके यहां बुला लो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फोन तुम्हें दे दिया है, जिसे चाहो बुला लो। मीता, मैंने तुम्हें फोन लाने के लिए नहीं कहा था, शशि को फोन करने के लिए कहा था। तुम्हें लगता है मैंने सुना नहीं? तो जो सुना वो करती क्यों नहीं? देखो अमर, शशि तुम्हारा असिस्टेंट है और मैं, खैर अगर तुम अपनी पोजीशन की वजह से उसे खुद फोन नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकती। मैं हरि को भेज रही हूँ, उससे करवा लेना। मीता, आई वॉन्ट यू टू रिंग हिम अप। शशि है? मैं एडिटर अमर सिंह के घर से बोल रही हूँ, आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए। तबीयत फिर से खराब हो गई सर। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें इसलिए बुलाया था मैंने, वो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। बैठो ना, बैठो।
दर्द है, बहुत दर्द है। फ्लू के बाद ऐसा होता ही है सर? हाँ वो तो पता नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं कह रहा था, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो व्हाट्स द टाइम? 7:15 हुए हैं सर। 7:15। हेलो, रॉन्ग नंबर। आजकल रॉन्ग नंबर्स बहुत आने लगते हैं। हाँ शशि, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो जो वो, अरे जरा सुना तो इधर, मेरा हाथ खाली नहीं। तो हाथ खाली करके इधर आओ। क्या हुआ? कहा ना मेरा हाथ खाली नहीं। तो हेल्प तो हाथ खाली नहीं है। बीता सुना नहीं तुमने? Can't you hear me, damn it? Meeta, can't you hear? ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं चलूं सर? आप कहें तो ऑफिस पहुंच कर आपको फोन कर लूंगा। 9:30 बज चुके। हाँ ठीक है। गुड डे सर। मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? किसने बंद किया दरवाजा? मीता तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? वेल वेल जवाब क्यों नहीं देती? आज तुम्हें हुआ क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जवाब? किस सवाल का जवाब चाहते हो? सुना नहीं तुमने? क्या तुम यही जानना चाहते हो कि दरवाजा किसने बंद किया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यही सवाल है ना तुम्हारा, दरवाजा किसने बंद किया? क्यों जवाब नहीं चाहिए तुम्हें? कितनी अजीब बात है, सवाल किए बिना ही तुम जवाब पा लेना चाहते हो। तुम भी उन सब पुरुषों की तरह हो अमर, जो अपने हर सवाल का जवाब पा लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। कितने बड़े एडिटर हो तुम, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हो, टीचर्स को बताते हो कि वो कैसे पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को समझाते हो कि वो कैसे पढ़ें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें या ना लें, सबको बताते हो, सबको समझाते हो कि वो क्या करें और क्या ना करें, संसार की हर समस्या के लिए तुम्हारे पास एक एडिटोरियल है, लेकिन तुम्हारी अपनी समस्या के लिए तुम्हारे पास कोई एडिटोरियल है? मेरी समस्या के लिए, हम दोनों की समस्या के लिए? पुरुष अपने रास्तों का चुनाव खुद करता है लेकिन स्त्री, वो बचपन से उन्हीं रास्तों पर चलती है जिनका चुनाव कोई और करता है।
मैं भी ऐसी ही हजारों लाखों स्त्रियों में से एक हूं अमर, जिनके चलने के लिए पहले से ही लीक बनी रहती है एक परंपरा, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत किया जाता है। मां की गोद छोड़ने के बाद मैंने चलना ही चाहा था कि एक उंगली ने आके मुझे थाम लिया और कहा, इधर चलो उधर नहीं। खाने बैठी तो बताया गया, ये खाओ वो नहीं। पढ़ना शुरू किया तो समझाया गया, ये पढ़ो वो नहीं। 12 साल की उम्र में ही मां को खो दिया। उसके बाद 13, 14, 15 और फिर 16, ये साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक दिन मैंने अपना एक नया रूप देखा। मैंने महसूस किया कि मैं जवान हो गई हूं, लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने आके ये नहीं बताया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे अंदर एक अजीब तरह की प्यास ने जन्म लिया और मैं सोचने लगी, उन्हीं दिनों शशि से मेरा परिचय हुआ, मुलाकातें होने लगी, कभी एक पल के लिए तो कभी दो पल के लिए, और मैंने महसूस किया कि मेरी प्यास प्यार में बदल रही है। फिर हमारे सभ्य समाज ने मुझे समझाया, प्यार पर पर्दा होना चाहिए, वो भी मैंने मान लिया। कभी 2-4 महीनों में मुलाकात हो जाती थी तो चंद घड़ी बातें कर लेते थे। अगर उन चंद घड़ियों का हिसाब लगाऊं तो कुल मिलाकर 6 घंटे भी नहीं होंगे, लेकिन उन 6 घंटों में शशि ने मुझे जो कुछ दिया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। फिर भी उन 6 घंटों में मुझे जो कुछ मिला, तुम विवाहित जीवन के 6 सालों में भी मुझे दे नहीं सके। मैं जिस तरह उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए तड़पती थी, वो तड़प, वो बेचैनी, वो इंतजार मैंने तुम्हारे बारे में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ दिया, मेरी प्यास को प्यार में न बदल सके। अमर, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग साहब, आपको अंदर बुलाया। What's the time? I said, what's the time?
आई थिंक सर इस वक्त बहुत परेशान। हाँ मैं परेशान हूं, जानते हो क्यों? बताओ जानते हो? अगर आप एक साधारण आदमी होते तो मैं आपकी परेशानी की वजह बता सकता था सर। हर असाधारण आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं जाकर साधारण बन जाता है शशि। इस वक्त मैं भी एक साधारण आदमी हूं और परेशान हूं तुम्हारी वजह से। नहीं सर, मैं वजह तो नहीं बहाना हो सकता हूं शायद। वजह और बहाने की बारीकी को रहने दो, जो कुछ भी हो तुम हो। नहीं सर, मैं नहीं हूं। लेकिन लेकिन क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं। कुछ मत कहो। साइन दिस। एक बात बताओ शशि, ये इस्तीफा तुमने कब लिखा? आज सुबह आपके यहां से आने के बाद। क्यों सर? मुझे लगा मेरी वजह से आप दोनों के बीच। जो चीज है नहीं वो वजह कैसे हो सकती है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बीता हुआ कल आज हमारे बीच कैसे आ गया? जा काम करो। अच्छा बैठो। आज मैं तुमको एक डायलॉग सुनाता हूं। बीता हुआ कल आज हमारे बीच तभी आता है जब हम आज को पूरी तरह जी नहीं पाते। हरी, हरी। जी बहू। साहब को ऑफिस में टेलीफोन करके पूछो खाना खाने कितने बजे आ रहे हैं। जी मेरी बात मानिए सर, अब आप घर चले जाइए। क्यों? अच्छा अच्छा शशि तुम एक बहुत समझदार आदमी हो, सेंसिटिव हो, लेकिन अभी तक शादीशुदा नहीं हो। यू आर स्टिल अ बैचलर। जाओ काम करो। साहब, मैम साहब, बहू पूछ रही हैं, खाना खाने कितने बजे आएंगे आप? अच्छा। फोन करके पूछ लो ना। डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं बहू, आते ही होंगे, आ जाएंगे ना।
ऑफिस में किसी काम से रुक गए होंगे, आते होंगे। काफी देर हो गई सर। सुनो तुम मेरे साथ ही चलो। सर हाँ हाँ मेरे साथ चलो, घर चलेंगे साथ ही खाना खाएंगे। नहीं सर आज तो आप दोनों ही, मैं फिर कभी। फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। बस सर यही मेट्रो के पास ड्रॉप कर दीजिए। क्यों पिक्चर देखने जा रहे? जी हाँ सर। कौन सी फिल्म चल रही? कोई भी हो सर, फिल्म देखनी है। अच्छा सर बस यही, गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। रात के ठीक 10:02। इनका ब्लॉक वाली हेनरी सेंडोस खड़ी सही टाइम दे दी है। क्या मजाक लगा रखा है, कब जाएगा बचपना तुम्हारा? खाना खाने के बाद, सच बड़ी भूख लगी। ओहो, कभी तो सीरियस हो जाओ। खाना खाने के बाद तो फिर जाओ खा लो। तो चलो तुम जाओ, तुम्हें भूख लगी है। तुम्हें नहीं लगी? नहीं। ओह गॉड, आजकल तो साथ में भूख भी नहीं लगती। प्लीज चलो ना। मुझे खाना नहीं है। ठीक है बाबा, कर लो परेशान जितना चाहो। क्या 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 कहा तुमने? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? याद है आज सुबह क्या क्या कह गई थी तुम? बस तुम्हें सिर्फ आज सुबह की बात याद है? ओह मीता, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम लोगों को तो सिर्फ शिकायत करनी आती है। जानती हो जब से लोग अमर सेन को जानने लगे हैं जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं? उस अमर सेन की इमेज को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ा और क्या क्या कुछ छोड़ना पड़ा। आजकल की दुनिया में एक क्रिएटिव आदमी के लिए करियर क्या चीज होती है तुम जानती हो? ये तो क्रिएटिव आदमी ही जाने। हाँ सही कहा तुमने, क्रिएटिव आदमी ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, तुम भी नहीं, एक पत्नी भी नहीं। आजकल की दुनिया में एक क्रिएटिव आदमी के लिए उसका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है। उसका मुकाबला तुम लोगों की तरह दूसरों के साथ नहीं अपने आप से होता है। आज का काम पिछले कल से बेहतर और आने वाले कल का काम आज से बेहतर, इस तरह दिन ब दिन बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए, तभी वो आदमी वहां पहुंच सकता है जहां उसे पहुंचना चाहिए, जहां वो पहुंचना चाहता है। कहां? तुम्हारे सर पे। अच्छा बाबा अच्छा, जहाँ पहुँचना है बाद में पहुँच जाना, अब सिर्फ डाइनिंग टेबल तक पहुँच जाओ। जल्दी से कपड़े पहन लो, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। हरी जल्दी से खाना लगा दो। लगा ही रहा हूँ बहू। ये सब तुम मेरे पे छोड़ो हरी, और जल्दी से खाना लगा दो। अच्छा। जाओ 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 जाओ। लेकिन मीता,
पहले बैठो, खाना खाओ, फिर बात करो। बैठो बैठो। जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो खामो खामा। पहले खाना खाओ, बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है। रोटी कहाँ है? हरी साहब के लिए रोटी लाना। इतने साल हो गए, पता नहीं पहले रोटी रखनी चाहिए, बाद में संभल कर, रोटी गरम है। ठहरो, रोटी मैं देती हूँ। अरे फिर सोचने लगे? अरे बाबा ढंग से तो खाना खाओ। जब भी मैं कोई बात करता हूँ पहले ओफो, लो पानी पियो, लो और थोड़ा सा पियो, बस लो ना। अरे बहुत हो गया। हाँ क्या कर रही हो? अरे 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 बस बहुत हो गया, खा चुका। ये क्या, तुमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया? तुम्हें कैसे मालूम मैंने पेट भर के खाया कि नहीं? अच्छा बाबा अच्छा, तो मैं हाथ धो दूंगा। मैं तो पचा नहीं, मैं तो उनको अपना मुंह बाहर वो बंद कर दूं तो दे रहा। इतना गुस्सा? हाँ हाँ देखो अपनी शक्ल आईने में, पिछले पूरे हफ्ते बीमार रहे हो। अगर मैं डॉक्टर होती तो कभी जाने नहीं देती दफ्तर आज। तुम्हें आराम की जरूरत है, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह बातें करेंगे। हाँ कल नहीं, आज अभी। मैं बीमारी से उठाऊं या जो कुछ भी हो, तुमसे बेहतर सो सकता हूँ, तुमसे बेहतर समझ सकता हूँ, और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आया समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी देर से यही समझा रहे थे क्या? इट्स सो सिंपल। मेरी समझ में नहीं आता तुम मेरी बात सुनना ही क्यों नहीं चाहती? अमर अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने तुम्हारी बात समझ ली है तो? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी कहा भी नहीं और तुमने समझ भी लिया, इतनी समझदार कैसे हो गई? सोबत का सर। मीता। यस सर। जब तक मैं अपनी बात खत्म ना करूं तुम यहां मुंह बंद करके कान और दिमाग खोल के चुपचाप बैठो। लेकिन तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो सब कुछ समझ गई हूं। क्या समझ गई हूं? सब कुछ। क्या सब कुछ? वही जो तुम समझा रहे हो। क्या मैं क्या समझा रहा हूं? अमर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत बोल रहे हैं? बोलना पड़ रहा है तुम्हारी बकवास की वजह से। ओके नो मोर बकवास, प्रॉमिस। अब सो जाओ, चलो, बड़ी नींद आ रही है। ये पत्ती क्यों बंद कर दी? ऑन करो। अरे बाबा सोने ना सोने से बत्ती का क्या मतलब? अंधेरे में भी तो बात हो सकती है। नहीं 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 हो सकती, अंधेरे में बात नहीं हो सकती। अच्छा बताओ क्या समझ गई हो तुम? मैंने कहा ना सब कुछ। ये तो कोई जवाब ना हुआ। क्या ये कोई जवाब नहीं? अरे अमर मैंने जिंदगी में इससे बेहतर बात कही नहीं और तुम कह रहे हो कि मैं? मीता। ओके अमर मैं समझ गई हूं कि तुम समझ गए हो। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं समझ गई हूं कि तुम समझ गए। आया समझ में? Thank you.
फिर बहस। अब बताओ लड़का या लड़की? दोनों। Can't promise. One at a time. इस समय रात के ठीक 11:30 बजे है। अब हमारी आज की अंतिम सभा समाप्त होती है। कल सुबह 6:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।